भावी बस, किसी को दोष नहीं, दोष लगा भी नहीं सकते। और मनुष्य का स्वभाव है जब कोई घटना घटती है तो वो अपनी घटना का दोष किसी न किसी के सिर पर जरूर रखता है। लाभ का भले न पगड़ी बांधे लेकिन दोष की पगड़ी बांधने के लिए किसी न किसी को ढूंढ लेता है आदमी, इनके कारण ऐसा हो गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस व्यर्थ का ही दो दे दोषो, किसको दोष दे। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला राज परंपरा का विधान ऐसा है कि जिसको पिता राज सिंहासन संकल्पित कर देता है वो उसको संभालता है। इसलिए राय राज पद तुम कहो दीना, पिता की आज्ञा मानी, कोई निंदा नहीं करता। कनिष्ठ पुत्र पुरु ने पिता की आज्ञा मानकर युवानी भेंट कर दिया, कोई निंदा नहीं करता। राज सिंहासन का स्वामी वही होता है जिसको पिता संकल्पित करता है। वन में सीताराम जी को तोष होगा, देवलोक में आपके पिताजी को संतुष्ट होगा, परितोष होगा, आपकी माताएं प्रसन्न होंगी, प्रजा अपनी सहजावस्था में आ जाएगी। हे भरती, इस भाव को स्वीकार करिए। सचिव जी ने सहमति में दो शब्द कहे। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा था, आप स्वीकार करिए, राम जी आएंगे, जैसा उचित होगा वैसा करिएगा। सचिव जी ने कहा, गुरु जी उत्तम कह रहे हैं प्रभु, स्वीकार करें। बड़ी अम्बा ने कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, प्रजा दुखी है, आपकी माताओं की स्थिति है, गुरु जी जो कह रहे हैं उसको पालन करिए और अयोध्या का समार करिए। सचिव जी तक तो उत्तम था, जब गुरुदेव भगवान की बात पर मेरी माँ की सहमति आई तो भरत जी के नेत्र झरझर आ उठे, भरत जी रोने लगे। कारण, हर मनुष्य को अधिकार प्राप्त करते समय अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। ये थोड़ा कठोर है, अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए कि ये जो अधिकार मिल रहा है इस अधिकार को हम निर्वाह कर सकते हैं क्या। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 400 कुछ बच्चों ने इस वर्ष IIT की पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों? आरक्षण से एडमिशन तो मिल गया, भेजा गीजा होगा तब ना आगे पढ़ाई होगी। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो पढ़ेगा कौन? सर्टिफिकेट थोड़ी पढ़ेगा, योग्यता नहीं है तो डार्विन का सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तर जीविता है। योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, धारिता नहीं है तो वस्तु टिकेगी नहीं, बाहर जाएगी, गिरेगी। यह आश्चर्य भी है और नीत निर्धारकों के लिए मार्गदर्शन भी है। सबसे अधिक प्रतिभा क्रश अपने देश में होती है। प्रतिभावान लोग प्रतिभा लेके टहल रहे हैं और अप्रतिभाशाली लोग
बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, करेंगे क्या? उसके लिए बुद्धि और विवेक वो खरीदा नहीं जा सकता है, वो तो तपश्चर्या से और अनेक विधाएं हैं उससे प्राप्त होता है। विवेक लिखा है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता।